नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर वाणी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड की होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, जैसे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इसी के साथ दोस्तों हम सीखेंगे लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी एमएस वर्ड की विंडो पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन के बारे में सीखा था। यदि आप फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शन के बारे में कि इन ऑप्शन का हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में, यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि इस ऑप्शन का नेम विद शॉर्टकट की के साथ लिखकर आ रहा है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, आप देखोगे कि जब हम एमएस वर्ड की विंडो को ओपन करते हैं तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। यानी कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप करते हैं तो आप देखोगे कि पेज के लेफ्ट हैंड साइड से ही वो टेक्स्ट हमारा टाइप होता है। हम कुछ भी एक्स वाई जेड टाइप करते हैं तो वो पेज के लेफ्ट हैंड साइड से ही टाइप होता है। इसका मतलब है कि हमारे इस पेज पर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। अगर दोस्तों यदि हमें पेज के राइट हैंड साइड से कुछ टाइप करना है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें अलाइन टेक्स्ट राइट को सिलेक्ट करना होता है। तो हमें इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और आप देखोगे जो हमारा कर्सर है वो पेज के राइट हैंड साइड पे आ जाता है। और अब जब हम टाइप करेंगे तो हमारे पेज के राइट हैंड साइड से टेक्स्ट टाइप होता है। तो दोस्तों, ये होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट और अलाइन टेक्स्ट राइट ऑप्शन का यूज़। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट पहले से टाइप कर रखा है और उसका यदि हमें अलाइन चेंज करना है, लेफ्ट से राइट करना है, तो हमें क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए ये जो पैराग्राफ हमने टाइप किए हैं, इसमें हम जो ये पहला पैराग्राफ है इसका अलाइन चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। आप देखोगे अभी इसका जो अलाइन है वो लेफ्ट है। अगर हमें लेफ्ट से राइट करना है तो हमें इसको पहले सेलेक्ट करना होगा और फिर अलाइन टेक्स्ट राइट ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। आप देखोगे कि इसका जो अलाइन है इस पैराग्राफ का वो चेंज हो चुका है, यानी कि पहले ये लेफ्ट था, अब ये राइट हो चुका है। तो यदि अगर हम कोई टेक्स्ट पहले से टाइप कर चुके हैं और बाद में उसका अलाइन चेंज करना है तो भी हम उसका अलाइन चेंज कर सकते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। तो दोस्तों, ये तो था हमारे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट और अलाइन टेक्स्ट राइट ऑप्शन का यूज। अब बात करते हैं कि ये सेंटर ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों, सेंटर ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं सेंटर माने बीच में। तो ये जो ऑप्शन होता है ये हमारे टेक्स्ट को हमारे डॉक्यूमेंट के पेज के सेंटर में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन पे जाकर सेंटर ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारा टेक्स्ट था वो पेज के दोनों तरफ से बीच में एकदम सेंटर में आ जाता है। अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट इसे लिखना चाहते हैं सेंटर में तो हम क्या करेंगे, अभी आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट अलाइन है वो हमारा राइट है, तो हम क्या करेंगे सेंटर पे जाके क्लिक करेंगे। अब जब हम जैसे ही सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो कर्सर होता है वो पेज के एकदम सेंटर में आ जाता है। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो आप देखोगे एकदम इक्वल बराबर स्पेस छोड़ता हुआ दोनों तरफ से ये बीच में ही हमारे टेक्स्ट को टाइप करता है। तो दोस्तों, ये होता है सेंटर ऑप्शन का यूज़, जिसे हम सिलेक्ट करके डायरेक्ट टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं सेंटर में, और यदि हम पहले से कोई टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं तो हमें उसको सिलेक्ट करना है और सेंटर पे क्लिक करना है तो आप देखोगे ये टेक्स्ट जो था, जो पैराग्राफ था, वो हमारा सेंटर हो जाता है। तो इस प्रकार हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट और सेंटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी कि जस्टिफाई। दोस्तों, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, उसके लिए पहले हम इस टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। दोस्तों, जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट या अलाइन टेक्स्ट राइट में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखोगे अगर हमने अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में कोई टेक्स्ट लिखा है तो लेफ्ट साइड से तो हमारे टेक्स्ट एकदम इक्वल होता है, जो लाइनिंग होती हैं, जो वर्ड होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड में जाएँ तो कोई लाइन हमारी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, इस तरह से ये डिस्टर्ब होती है, यानी कि कोई बड़ी है, छोटी है, इस तरह से होती है। अगर हम चाहते हैं जिस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड से एकदम इक्वल है और हम चाहते हैं इसे राइट हैंड साइड से भी एकदम इक्वल बराबर करना, तब हम जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हमें करना क्या होता है, हमें पहले अपना पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें जस्टिफाई ऑप्शन पे जाकर
माउस से क्लिक कर देना है। आप देखोगे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे जो पैराग्राफ थे इस डॉक्यूमेंट के, तीन पैराग्राफ हमने इसमें टाइप कर रखे हैं, आप देखोगे तीनों का जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट लाइन है, वो दोनों तरफ से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी एकदम इक्वल बराबर हो जाती हैं। तो ये होता है जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जैसा कि दोस्तों आप इसके नाम से समझ सकते हैं लाइन के बीच में स्पेसिंग का काम करता है ये। हम इस वाले टेक्स्ट को इरेज कर देते हैं। जैसे ये जो पैराग्राफ हमने टाइप कर रखे हैं, इन पैराग्राफ में जो लाइनिंग है और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, इसे मैनेज करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ये जो गैप और ये जो स्पेस है इसको बढ़ाना है या कम करना है, तब हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हम इसका यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे हम इस वाले पैराग्राफ की जो लाइनिंग है इनके बीच का गैप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाएंगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 ही लाइन स्पेस सिलेक्ट रहता है। अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, तो आप देखोगे जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें, इस पैराग्राफ की लाइनिंग में थोड़ा सा गैप आ जाता है अदर पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग। आप देखोगे इस पैराग्राफ की लाइन्स में कम गैप है और इसमें थोड़ा गैप बढ़ चुका है। अगर हम और बढ़ाना चाहते हैं तो वापस इसे सिलेक्ट करेंगे और वापस इस ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे कि हम कर देते हैं 2.0, तो आप देखोगे थोड़ा सा और बढ़ चुका है गैप। इस प्रकार से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइन के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें कम करना है तो हम वापस 1.15 पर क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे ये वापस नॉर्मल हो गया। और ज़्यादा कम करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे और 1.0 पर क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे ये और ज़्यादा कम हो जाता है। वैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1.15 ही रखते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है या नीड है तो आप इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें इस पूरे टेक्स्ट पर इस ऑप्शन को अप्लाई करना है तो हम इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने रखना है 1.5 या 2.0 कर लेते हैं, तो आप देखोगे इस प्रकार से हमारे टेक्स्ट में लाइनों के बीच का स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों यदि वापस आपको नॉर्मल करना है तो आप वापस इसको सिलेक्ट करिए और 1.15 पे जाके आपको क्लिक कर देना है, तो आप देखोगे जो हमारा टेक्स्ट का लाइन का स्पेस था वो नॉर्मल हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम अपने टेक्स्ट में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेडिंग। शेडिंग ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, ये हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर शेड देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और जब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। आप इनमें से किसी भी कलर पर अगर माउस के पॉइंटर को ले जाते हो तो आप देखोगे आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में उसी कलर का शेड आ जाता है। तो हम जैसे कि यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट किया, तो अब हम देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में वो कलर आ चुका है। अगर दोस्तों हमें पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर शेड लगाना है तो हम इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हम ये ग्रीन शेड ले लेते हैं और अब आप देखोगे कि हमारे टेक्स्ट के पीछे ग्रीन कलर का शेड आ जाता है। दोस्तों ये समथिंग हाईलाइट कलर की ही तरह काम करता है, लेकिन ये हाईलाइट कलर नहीं होता है। हाईलाइट कलर में और शेडिंग में डिफरेंट क्या होता है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस कलर को हटा देते हैं। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और वापस शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नो कलर। जैसे हम नो कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो कलर हमने अप्लाई किया था वो यहाँ से हट चुका है। अब हम शेडिंग और हाईलाइट कलर में डिफरेंस जानेंगे। तो डिफरेंस जानने के लिए हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ पे हमको शेडिंग अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे शेडिंग अप्लाई कर देते हैं किसी भी एक कलर से, तो ये हमने शेडिंग अप्लाई कर दिया है। और दूसरे पैराग्राफ पर हम हाईलाइट कलर अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ से हाईलाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप दोस्तों इनमें अंतर देख पा रहे हो कि शेडिंग और हाईलाइट में क्या अंतर होता है। शेडिंग में हमारे पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर शेड आ जाता है, लेकिन अगर हम हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट में लाइन वाइज कलर शो होता है। आप देखोगे एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में आपको गैप दिखाई देता है, यानी कि ये पूरा शेड नहीं है, ये लाइन वाइज शेड आता है। तो ये होता है हमारे हाईलाइट कलर और शेडिंग कलर के बीच डिफरेंस। तो हम वापस इसको भी शेडिंग ही कर देते हैं, इसको हाईलाइट हटा देते हैं नो कलर पे जाके। तो इस प्रकार से हम शेडिंग कर सकते हैं। हम अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस पे हम ये कलर दे देते हैं, इस पैराग्राफ को हम
ये कलर दे देते हैं। तो आप देखोगे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी अपने पैराग्राफ पर शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यूज़ है दोस्तों शेडिंग का। हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन शेडिंग कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए हम वापस इसे सिलेक्ट करेंगे और नो कलर ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है इसके टॉप पर या बॉटम पे, लेफ्ट में या राइट में, कहीं पर भी हम कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं या पूरे ही टेक्स्ट पर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बॉर्डर दे रखे हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार से बॉर्डर दे रखे हैं। जिस प्रकार का भी बॉर्डर आपको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना है आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसी ऑप्शन पे जाकर माउस से क्लिक कर देना है। जैसे कि हम इसका यूज करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आप देखोगे जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था इस पूरे टेक्स्ट के नीचे बॉटम पर एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें टॉप पर भी बॉर्डर क्रिएट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस हम बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे और टॉप बॉर्डर पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे टॉप पर भी बॉर्डर आ गया है, यानी कि हमारे टेक्स्ट के टॉप पर और बॉटम पर दोनों साइड बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। इस प्रकार से अगर आपको लेफ्ट में भी बॉर्डर क्रिएट करना है या राइट में भी बॉर्डर क्रिएट करना है तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और बॉर्डर ऑप्शन पर जाकर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी भी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है जिस ऑप्शन का यूज़ आपको करना है। यानी कि आपको लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो लेफ्ट पर क्लिक करना है, आपको राइट बॉर्डर लगाना है तो राइट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यदि मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट के चारों ओर यानी कि चारों ओर बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमें एक एक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर जाकर क्लिक नहीं करना है, हमको बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि आपको टेक्स्ट के आउटसाइड में चारों ओर बॉर्डर चाहिए। तो आप देखो आइकन को भी देख के समझ सकते हैं यहाँ पे चारों ओर बॉर्डर लगा हुआ है, आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे जो हमारा टेक्स्ट था वो बॉर्डर में आ जाता है, चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अगर दोस्तों आपको बॉर्डर हटाना है तो क्या करना होगा, हटाने के लिए हम वापस इसे सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे और नो बॉर्डर, आपको एक ऑप्शन मिलता है नो बॉर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देखोगे हमारे टेक्स्ट पर जो बॉर्डर अप्लाई था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि हट चुका है। इसके अलावा दोस्तों और भी इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर का यूज़ क्या होता है, उसके लिए भी हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर का यूज़ क्या होता है, आप देखोगे जो पैराग्राफ थे हमारे उन पैराग्राफ के बीच में भी एक एक लाइन क्रिएट हो गई है। ऑल बॉर्डर में क्या होता है, पैराग्राफ भी हमारे अलग अलग बॉर्डर में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा यूज़ है, आप इसका कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। अगर आपको सिर्फ इनसाइड बॉर्डर रखना है तो आप इनसाइड बॉर्डर भी कर सकते हो, उसमें आपको आउटसाइड बॉर्डर नहीं मिलता है। इसका भी यूज़ हम करके देख लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और पहले नो बॉर्डर करेंगे और उसके बाद इनसाइड ऑफ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इनसाइड में आप देखोगे कि सिर्फ पैराग्राफ के बीच में लाइनिंग क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसके आगे जो नीचे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये टेबल से रिलेटेड ऑप्शन है, इन्हें हम आगे की वीडियो में जानेंगे जब हम टेबल का यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें एक ऑप्शन और आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्सर सेट करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम पहले कर्सर सेट करेंगे और उसके बाद हमें इस ऑप्शन पे जाना है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे आपके डॉक्यूमेंट में एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है। इस लाइन को हम एडिट भी कर सकते हैं, इस पर हमें पहले जाके माउस से क्लिक करना है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू खुल कर आ जाता है। पॉपअप मेन्यू में हमें फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक पॉपअप विंडो खुल कर आ जाती है जिसमें हमें इस लाइन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है 100%, हाइट कितनी रखनी है, हाइट बढ़ानी है तो आप हाइट बढ़ा सकते हो, आपको कलर कौन सा यूज़ करना है, आप इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमने इसका कलर रेड ले लेते हैं, आपको अगर अलाइन चेंज करना है तो आप अलाइन भी चेंज कर सकते हो। मेजरमेंट परसेंटेज किस में रखनी है, इंचेज में या परसेंटेज में, यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे तो आप देखोगे कि उसकी जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो इस पर अप्लाई हो चुकी है। यदि आपको इस लाइन को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, पहले माउस से इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देना है। तो आप देखोगे कि जो लाइन हमने क्रिएट की थी वो डिलीट हो चुकी है।
तो दोस्तों ये था हमारे पैराग्राफ ग्रुप के कुछ ऑप्शंस का यूज़। दोस्तों हमने आज की वीडियो में सिर्फ नीचे के इन ऑप्शन का यूज़ सीखा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऊपर के ये जो ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि बुलेट है, नंबरिंग है, मल्टी लेवल लिस्ट है, इन सभी ऑप्शन का यूज़ सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ यानी कि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर से जुड़ी जो भी जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोज़ ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, कीप इंजॉय योर लर्निंग, हैव अ हैप्पी लाइफ।